हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जनता एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून से वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच में डेली चलती है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 14266। ये 21 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 50 स्टेशन हैं और 846 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड एसी के कोच है जिसका किराया जो है 1640 रुपये है, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें थर्ड एसी के कोच है जिसका किराया जो है तकरीबन 1135 रुपये है, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज शामिल होते हैं और इसके अलावा जीएसटी चार्ज भी जोड़ा जाता है। स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है तकरीबन 415 रुपये, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 226 रुपए के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं देहरादून से वाराणसी तक चलने वाली जनता एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। जनता एक्सप्रेस जो है वो देहरादून उत्तराखंड से रोजाना शाम के 6:15 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 50 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है उत्तराखंड का हरा वाला, यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 6:28 पे पहुँचती है और 6:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है डोई वाला स्टेशन में पहुँचती है शाम के 6:50 पे और 6:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायवाला जंक्शन में पहुँचती है शाम के 7:25 पे और 7:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जनता एक्सप्रेस जो है वो हरिद्वार में पहुँचती है रात के 8:05 पे और 8:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसके साथ कुछ कोचेस भी जोड़े जाते हैं। उसके बाद ये ट्रेन जो है ज्वालापुर में पहुँचती है रात के 8:46 पे और 8:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस जो है वो एथल स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:03 पे और 9:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लक्सर जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:22 पे और 9:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायसी स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:37 पे और 9:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 87 किलोमीटर की यात्रा जो है ये देहरादून से यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के बालावली स्टेशन में पहुँचती है। बालावली स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 9:50 के करीब पहुँचती है और 9:50 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चांडोक स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:58 पे और 10 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद जनता एक्सप्रेस जो है वो नगीना जंक्शन में पहुंचती है, सॉरी नजीबाबाद जंक्शन में रात के 10:19 पे और 10:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। नगीना में ये ट्रेन जो है रात के 10:44 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद 10:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धामपुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:04 पे और 11:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सिहोरा स्टेशन में पहुंचती है। सिहोरा स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 11:20 पे पहुंचती है और 11:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जनता एक्सप्रेस जो है वो कांथ स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:38 पे और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस जो है वो मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:30 पे और 8 मिनट बाद 12:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामपुर स्टेशन में पहुंचती है। रामपुर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 1:08 पे पहुंचती है और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है।
रामपुर के बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:09 पे और 2:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शाहजहानपुर में पहुंचती है रात के 3:17 पे और 3:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रोजा जंक्शन में रात के 3:27 पे पहुंचती है और 3:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरदोई स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:22 पे और 4:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भगौली स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:56 पे और 4:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बालामऊ जंक्शन में सुबह 5:28 पे पहुंचती है और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है संदीला स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:50 पे और 5:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। संदीला के बाद देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस जो है वो रहीमाबाद स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:04 पे और 6:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिलावर नगर में पहुंचती है। दिलावर नगर में ट्रेन जो है सुबह 6:17 पे पहुंचती है और 6:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलियाबाद स्टेशन में पहुंचती है। मलियाबाद स्टेशन में 6:46 पे पहुंचती है, 6:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। ककोरी में 7:01 पे पहुंचती है और 7:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। आलमनगर में सुबह 7:19 पे पहुंचती है और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये लखनऊ चारबाग स्टेशन में सुबह 7:50 पे पहुंचती है और 8:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बछरावा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:53 पे और 8:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरचंदपुर में पहुंचती है सुबह 9:10 पे और 9:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 608 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायबरेली जंक्शन में सुबह 9:30 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। फुर्सतगंज में ट्रेन जो है सुबह 9:54 पे पहुंचती है और 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। जायस स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:04 पे पहुंचती है और 10:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गौरीगंज में पहुंचती है सुबह 10:20 पे और 10:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 670 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमेठी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:43 पे और 10:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और देहरादून से अमेठी की जो दूरी है वो 682 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंतु स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:06 पे और 11:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चिलबिला जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:29 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 714 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। प्रतापगढ़ जंक्शन में सुबह 11:52 पे पहुंचती है और 11:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। दादूपुर में ट्रेन जो है दोपहर के 12:11 पे पहुंचती है और 12:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बादशाहपुर में पहुंचती है दोपहर के 12:28 पे और 12:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। जंगई जंक्शन में यह 12:51 पे सुबह पहुंचती है और 12:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सराय कंसराय स्टेशन में पहुंचती है सुबह 1:02 पे और 1:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सूर्यवान स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:33 पे और 1:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भदोही स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:48 पे और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पारसीपुर में पहुंचती है
दोपहर के 2 बजे करीब और 2:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 810 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सेवापुरी स्टेशन में पहुंचती है जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है। यहाँ पर ये दोपहर के 2:38 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:45 पे पहुंचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है देहरादून से वाराणसी तक जनता एक्सप्रेस जो है 845 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।